कृपया करके आप अपने सेफ्ट बेल्ट बांध कर रखिए, इमरजेंसी के लेफ्ट एंड राइट एक्सटर्न इस्तेमाल कीजिए, और जेंटलमैन प्लीज डोंट टच मी। कोई भी लड़की को छेड़ा तो देख लेना, सीधा कर दूंगी। हमारे पास वैकेंसी है, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? रिमेम्बर पूनम को याद रखना, डंडा घुसेड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आप कोई सलाह चाहेंगे? मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, दो चाय ले मेरे, एक चीकू एक संतरा, एक वन बॉयफ्रेंड एक वाइफ। तो वाइफ को आपके बारे में मालूम है? पता है। क्या कहती है? कहती है जैसे हम हस्बैंड वाइफ है वैसे इनकी भी लाइफ है। बोलती आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो करो, मगर मुझे मेरा पति सामने मेरे घर में चाहिए। मेरे घर पे पता है कि मैं क्या हूँ, और डांस करता हूँ क्रॉस ड्रेसिंग करके, और LGBT कम्युनिटी में काम करता हूँ, और मैं TG हूँ। थोड़ा थोड़ा मम्मी मुझे एक्सेप्ट करती है लेकिन पापा नहीं करते, थोड़ा प्रॉब्लम होता है घर में। मैं सिर्फ सोचती थी कि मैं आपके लिए ऐसी इंसान हूँ जो लड़कों के ऊपर आकर्षित हो रही हूँ। ब्लाउज में ऐसे टावाल विवाल बढ़ा के ब्रेस्ट ड्रेस दिखाती थी, ऐसा मिरर में खड़ा लेके नाचना मुझे बहुत पसंद है। मेरा फर्स्ट टाइम जो सेक्स वगैरह हुआ था तभी मैं 7 साल का था, 7 साल की थी तभी मैं, और ज़बरदस्ती हुई थी तब मुझे पता नहीं था। बट बचपन से मेरा बिहेवियर लड़की लोग के जैसा ही था, तो उसी चीज़ का किसी ने फ़ायदा उठाया था कि ये ऐसा रहता है तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए, तो उसने सामने वाले ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था तभी मैं 7 साल की थी। ये था कि एक तो स्कूल में पढ़ाई बराबर से नहीं हो पाई क्योंकि मैंने 10th भी कंप्लीट नहीं किया, तो वैसे सेम स्कूल में बीचिंग होना, हैरेसमेंट होना, कभी सेक्सुअल अब्यूज करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ों की वजह से फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, फिर फेल होते हैं, या तो फिर घर वाले स्कूल से निकाल देते हैं या खुद ही फिर स्कूल छोड़ देते हैं। और मुझे स्कूल में सब मारते थे, वो तुम काट नाखून मार देते थे, चिढ़ाते थे सब, तो मुझे लगता था दुनिया में अकेला मैं ही ऐसा हूँ। मगर जब मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे पता चला हाँ हम सब पर जैसी संस्था है, हमारे जैसे लोग हैं, तो मैं इसे थोड़ा गर्व से चलने लगा। नहीं तो मुझे पूरे एरिया में चिढ़ाते थे, जब मैं एरिया से निकलता था तो मुझे गुड़ गुड़ करके चिढ़ाते थे, तो मैं ये गली छोड़ दिया, फिर ये गली छोड़ दी मैंने, फिर वो गली छोड़ दी, फिर वो गली छोड़ दी, फिर जाऊँ कहाँ पर मैं? मेरी मम्मी को बोला जा रहा था कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, क्रॉस ड्रेसिंग करता है, हिजड़ों के साथ रहता है, घूमता है फिरता है, क्या तुम्हारा बेटा भी ऐसा है क्या, तुमने पैदा करते वक्त देखा नहीं था क्या? हमको लगता था कि मतलब मैं सोचती थी कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, शायद इसलिए लोग मुझे इस तरीके से कुछ नामों से करते हैं। ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कम्युनिटी को इससे पहले विजिबिलिटी नहीं है, तो जो हम बॉलीवुड पिक्चर्स में देखते हैं वही विजिबिलिटी। अदरवाइज कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कम्युनिटी को लोग इंटरेक्शन नहीं होता था। ये सारे सवाल फिर फनी लगते हैं कि आपको कब पता चला आपके आइडेंटिटी के बारे में, या कई बार मुझे लोग इसे भी पूछते हैं आप किस लाइन में कब से हो, मतलब व्हाट यू मीन लाइन। क्या होता है कि उनके माँ बाप को पता चलता है कि हाँ मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, तो उनको टेंशन हो जाती है कि यार एक तो वो समाज में उनको फिर काम नहीं मिलेगा, तिरस्कार होगा। अगर स्टार्टिंग से उनको काम मिलना या जॉब मिलना हो जाता है तो माँ बाप को भी वो टेंशन नहीं होती है। कहीं पर अभी तक का ट्रांसजेंडर सिजुड़ास के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली नहीं या कोई रख नहीं रहा था। घर पे बच्चा पैदा होता है तो दुआ देने के लिए, शादी होती है तो दुआ देने के लिए बुलाते हैं, पर उसको ही अगर घर में काम करने के लिए बुलाएंगे तो फिर वो देखते नहीं है। अक्सर यही होता है, अगर एक हिजड़ा और अगर एक कोई बोलेगा कि ये रहता है तो उन लोग की नज़र में रहता है कि अरे ये लोग सिर्फ 2 या 3 काम कर सकते हैं, एक सेक्स वर्कर, एक मांगना, या फिर कुछ छोटे मोटे कुछ भी काम कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम जॉब इसलिए नहीं मिलती है, एक तो बोले ये ट्रांसजेंडर है, हाँ ऊपर से ये यहाँ आएगा तो इनको भी बिगाड़ देगा, ये सोचते हैं कि ये क्या काम कर पाएगा, मगर एक बार काम देखे तो देखो।
मेरे को आज की तारीख में रास्ते में खड़ा रहकर भीख मांगना पसंद नहीं, ना सेक्स वर्क करना भी मुझे पसंद नहीं है। ताकि मुझे एक इच्छा है, मैंने साइंस पढ़ी नहीं है, तो मेरे आगे डॉक्टर श्रेया रेड्डी होना चाहिए, तो इसलिए मेरे को PhD करना है। तो मेरे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, कोइनो डायमंड से भी वो वर्डिंग मेरे को नहीं आ रही, कोइनो डायमंड से भी बहुत प्रीशियस है वो डॉक्टर वर्ड मेरे लिए। भले मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो भी मैं डॉक्टर हूँ। हाँ खुश हूँ, बट आगे भी सपने बहुत सारे हैं।